हाय गाइस, अभिषेक ओवर हियर फ्रॉम वॉल्ड डॉग्स आर्टिस्ट स्टूडियो। और आज का सब्जेक्ट है ओनली 5 मिनट्स में BFA कैसे क्रैक कर सकते हो आप। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इजी एंड क्विस्प पॉइंट्स हैं जिससे आप BFA को ऐसे क्रैक कर सकते हो इजीली। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टिल लाइफ इंप्रूव करना होता है आपका। स्टिल लाइफ स्टडी होता है, आपको आइडिया होगा ही क्योंकि स्टिल लाइफ क्लास 9 से 8 से शुरू हो जाता है। तो यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट स्टिल लाइफ इज, राइट? सो स्टिल लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करो, अपना काम, अपना स्ट्रोक्स, अपने कलर्स, अपने पैनल्स, जो आपके पिगमेंटेशन ऑफ कलर्स हैं, शेडिंग क्वालिटीज हैं, वैल्यूज़ हैं। अगर आपको इनके नहीं पता है बारे में तो आप मेरे YouTube में जाओ, अलग अलग वाटर कलर वीडियोस, शेडिंग वीडियोस, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। उसमें लिखा भी हुआ आता है, पॉइंट वाइज भी आते हैं, आप वहाँ जाके सीख भी सकते हो। कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। कैसे इंप्रूव करोगे स्टिल लाइफ को? प्रोपोर्शन करो स्टिल लाइफ का प्रॉपर। पेंसिल से कर सकते हो, स्केल से कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। पेंसिल से करने के लिए कभी हाथ को मोड़ के पेंसिल का मेजरमेंट नहीं लेना है, हाथ को ओपन खोलना पड़ता है। ये हाथ पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट रहेगा तो आपका जो विजन होगा और जो आपका डिस्टेंस होगा वो आप प्रॉपरली मेजरमेंट कर सकते हो पेंसिल के सिर्फ हाइट के हिसाब से। कितना हाइट में पेंसिल्स हैं उसके बेसिस पे आप उसका मेजरमेंट लो, उसको लाइनिंग करो और उसके हिसाब से प्रोपोर्शंस बनाओ। और शेडिंग करने का टाइम ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्रॉस हैचिंग, ये वो मिक्सिंग नहीं करना है, बहुत बेसिक शेडिंग करना है। फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, हाईलाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, शेडो, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा रियलिस्टिक करने की कोशिश मत करो इनिशियली, सिर्फ बेसिक्स में ध्यान दो। तो बैचलर करने के लिए आपको बेसिक्स में ध्यान देना पड़ेगा, स्टडी में ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट आर्टवर्क के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपका बेसिक्स, आपके जो पिलर्स है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। वो जितने स्ट्रांग होगा उतने बड़े कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हर चीज जानना पड़ेगा। बॉडी प्रोपोर्शन जानना पड़ेगा, जो आपके बोन्स का प्रोपोर्शन वो जानने पड़ेंगे, स्किन के ट्रीटमेंट जानना पड़ेगा, पिगमेंटेशन जानने पड़ेंगे, वैल्यू करेक्शन जानना पड़ेगा, आपका प्रोपोर्शन में कितने हेड आते हैं, कौन सा हेड किधर जाता है, कितना हेड के हिसाब से उसका कंधा बनता है, कितना हेड के हिसाब से उसका कमर बनता है, अगर खड़ा है तो कितना होगा, अगर बैठा हुआ है तो कितना होगा, अगर आधा बैठा हुआ है तो कितना होगा, वो सब के आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा ये चीज़ें। मैं बच्चों को सिखाता रहता हूँ नॉर्मली, मगर यूट्यूब में अभी डाला नहीं है मैंने, तो मैं डाल दूंगा, वो आप लोग भी चेक कर सकते हो। अगर इसमें कोई और पॉइंट जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या पॉइंट आपको जानना है। थर्ड पॉइंट में आपको सेकेंड पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा, वो ये है कॉम्पोजिशंस। आपको मार्केट सीन, अलग अलग टाइप के सीनरीज, लैंडस्केप पेंटिंग को रेडी करना पड़ेगा। मतलब पीछे लैंडस्केप क्या बनेगा, मार्केट होगा तो कैसा बनेगा, हाउस होगा तो कैसा बनेगा, इंडोर है तो कैसा बनेगा, विलेज सीन होगा तो कैसा बनेगा, अगर एक मॉल सीन है तो कैसा बनेगा, सिटीस्केप है तो कैसा बनेगा, इसके आपको नॉलेज होना चाहिए। सिटी होगा तो धोती पहन के तो बंदे जाएंगे नहीं, वहाँ पे पैंट शर्ट पहनेंगे। अगर गांव होगा तो वहाँ पे धोती होगा, पैंट शर्ट का हिसाब कम होगा, या वहाँ पे वो सर पे टोकरी लेके आपको बंदा दिखाना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसको कहाँ पे जोड़ना है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 फिगर्स होने चाहिए आपके कंपोजिशंस में, तो वो 3 फिगर के साथ अलग 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 लेवल पे कंपोजिशंस को प्रैक्टिस करो। ये फाइन आर्ट के BFA के लिए बोल रहा हूँ, अप्लाइड आर्ट में अलग होता है, वो कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, आपको स्टिल लाइफ स्टडी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन एनाटॉमी को ठीक करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जेस्चर, ड्राइंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थर्ड होता है कॉम्पोजिशंस, जिसमें लैंडस्केप जो बैकग्राउंड का बनेगा वो, और फ्रंट में जो ह्यूमन फिगर्स 3 बनेंगे उसका प्रोपोर्शंस, उसके ड्राइंग, उसके कलर्स, वैल्यूज, और उसके जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर क्लियर रहेगा और अच्छा कर सकते हो आप, तो आपको कोई भी BFA में रोक नहीं सकता। आप कितना अच्छा करोगे, कितना टफ कॉलेज में जा रहे हो, कितना टफ आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मैटर कर जाता है। तो वहाँ पे जितना अच्छा प्रैक्टिस आप करोगे, जितना अच्छा तरीके से रेडी होगे 3 पॉइंट्स के ऊपर, आपको वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। आप वहाँ पे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, और BFA में क्रैक करने में सबसे आसान तरीका यही है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।